नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल साउंड के शौकीन पर। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये एक फ्रेंड्स मेला है, यहाँ मेला ग्राउंड है, इसमें हमने पूरा पीए लगाया, साउंड सेटअप लगाया, तो उसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे लगाएंगे, तो उसी के बारे में वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पीए का देखते हुए साउंड सेटअप लगाने के लिए आपको सबसे पहले पूरा एरिया को देखना पड़ेगा, कहाँ क्या कुछ है, कितना बड़ा ग्राउंड है, कितनी दूर तक आवाज़ जानी है, माइक कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। तो स्पीकर का जो प्लेसमेंट होता है वो हमेशा माइक के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा माइक यहाँ पे है उसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि हमारे जो स्पीकर का प्लेसमेंट करना है, कुछ हमने इस तरह करा है कि हमें दूर तक भी आवाज़ चाहिए थी वहाँ तक के लिए, और यहाँ पे कुछ इवेंट होने हैं तो उसके लिए भी गाने वगैरह बजने थे तो उसके हिसाब से भी हमें चाहिए। तो हमने फ्रेंड्स किया क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये हमने दो हॉर्न लगाए हैं इधर, जो एक पीछे साइड में और एक सामने की तरफ, और एक हॉर्न यहाँ लगाया है, ऐसे ही तीन हॉर्न हमने दूसरी तरफ लगाए हैं। फ्रेंड्स आपको देखिए, ये तीन हॉर्न जो लगा रखे हैं, एक आपका ये रहा और दो वहाँ लास्ट में, ऐसे तो हमने हॉर्न लगाया कि जो हमारी आवाज़ है वो दूर तक जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करा है, जो स्पीकर्स हैं 100 वाट के हमने लास्ट में दे दिया है, वहाँ कोने में एक राइट इधर लास्ट की तरफ, और एक हमने 100 वाट का यहाँ बीच में दिया है यहाँ पर, और ऐसी सेम वहाँ पे लगाया है। बीच में हमने क्या करा है, बीच में 700 वाट स्पीकर लगा दिया है, जो थोड़ा आवाज़ में बेस हो, अच्छा लगे सुनने में, और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ लगा दिया। अब इनको हमने लोड लाइन में खींच के लाया पीछे पीछे, अपना जो दिखे ना, किसी को परेशानी ना हो, और हॉर्न की जो लोड लाइन है वो भी हम यहाँ से खींच के लाए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो वीआईपी की हमारी सीटिंग है वो यहाँ पर है, तो वीआईपी सीटिंग के लिए हमने 30 वाट के आहूजा के छोटे स्पीकर हैं उनको ऐसे लगा दिया है। ऐसे फ्रेंड्स 4 स्पीकर हमने लगाए हैं, तो ये वीआईपी एरिया है उसके लिए हमने लगा दिया। मैं फ्रेंड्स आपको लोड लाइन बता देता हूँ क्या कुछ हमने लगाया। और माइक की मैं इनपुट की बात करूँ तो फ्रेंड्स हमने एक स्टेज पे दिया है गुजनेक, और उसके बाद फ्रेंड्स हमने दो तीन कोर्डलेस रखे हैं, एक स्टूडियो मास्टर का लगाया और दूसरा स्टूडियो मास्टर का है दो वाला, और एक मिक्सर लगा दिया। फ्रेंड्स पहले हमने डायरेक्ट हमने इसको मास्टर बनाया था और इनको स्लेव बनाया था, बट फ्रेंड्स वो सक्सेस नहीं हो सका, उसमें आवाज़ थोड़ी हमको कम लग रही थी, जिसकी इतनी आउटपुट है 700 वाट की उतना हमें लग नहीं रही थी। तो हमने फिर क्या करा, एक हमने मिक्सर लगाना उचित समझा। एक्चुअली मिक्सर लगाने के लिए हमको क्या है कि बैटरी बैकअप भी देखना पड़ता है, तो इसलिए हम मिक्सर नहीं लगा रहे थे। तो फ्रेंड्स जो हमने पहले सोचा था वो ये था कि हम एम्पलीफायर लगाएंगे बैटरी के साथ, हम 6 बैटरी लेके भी आए थे, इसके नीचे बैटरी रखी, ये हमारी बैटरी रखी भी है। तो फ्रेंड्स मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हमने लगाया क्या क्या है, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्राउन था, इसमें 700 वाट के हमने स्पीकर लगाए, ये हमारा 400 वाट के एम्पलीफायर TZ 400 का, इसमें फ्रेंड्स हमने एक जोन में 30 वाट के स्पीकर लगाए हैं, जो हमारे चार थे 120 वाट बैठता है, तो 200 वाट के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस हमने दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स जोन बी में हमने अपने हॉर्न लगाए थे, उसके बाद ये नीचे हमारा 400 वाट का स्पीकर था, 400 वाट के एम्पलीफायर 200 वाट एक जोन में, तो इसमें 100 वाट के दो हमने एक तरफ लगाए थे और 100 वाट के दो स्पीकर एक जोन में लगाए थे। लगाते टाइम फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए कि आपने जोन में लेफ्ट की तरफ रखे हैं राइट की तरफ, तो आपको पता हो कि स्पीकर कौन सी तरफ के वाले कौन सी तरफ कौन से जोन में लगा रखे हैं। उसके बाद जो फ्रेंड हमने फ्रंट में वो वाले 200 वाट के दो स्पीकर लगाए हैं लेफ्ट राइट में, वो हमने एक जोन में दिए हैं यहाँ पे इधर बी वाले जोन में दिए हैं, और ये हमने स्टैंड पे रखा है। तो मैं फ्रेंड्स आपको इधर पीछे से और दिखा देता हूँ इसके, और फ्रेंड्स हमने इसमें जो लगाया है इसके जो आउटपुट है ये वोल्ट वाली लाइन फ्रेंड्स ये रही हमारी, जो ये गए हमारे हॉर्न में गए जोन बी जैसे कि मैं बता रहा था, और जोन ए में हमने फ्रेंड्स यहाँ इसमें लगाया हमने स्पीकर। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो ये लगाए इसमें मैं आपको बता दें, इसमें 100 वाट के ओम में लगाए थे, तो 8 ओम का एक स्पीकर था, तो हमने 4 ओम में दे दिया यहाँ पे ये वाला, ऐसे ही ये वाला दो स्पीकर थे 8 ओम के, तो 4 ओम वाले तो हमने 4 ओम में दे दिए।
वोल्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं, 100 वोल्ट के हैं, कितने भी स्पीकर लगाओ, बस वाटेज उसका कैलकुलेट होके पूरा होना चाहिए, जितने वाट के, जैसे 200 वाट का तो 200 वाट से ऊपर ना हो कोशिश करें, तो उसमें वैसे हमारे स्पीकरों में टैपिंग भी होती है कितने वाट में लगाना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसकी सप्लाई के लिए लाइट वगैरह चलाई, तो हमने बैटरी रखी है, 2 एम्पलीफायर हमने बैटरी पे रखे थे, और ये वाला नहीं रखा था, और ये वाला हमने मिक्सर से दिया था, मिक्सर अभी हमने हटा दिया है, तो ये वाला हमने मिक्सर से डायरेक्ट आउटपुट दिया था। और इनपुट इसमें फ्रेंड ज़्यादा नहीं थे, इसमें 2 कोर्डलेस लगाए थे हमने, और एक हमने गूजनेक लगाया था स्टेज का, ये वाला गूजनेक जो आगुजा का। तो फ्रेंड्स यही था हमारा वीडियो आज का, कि ये पूरा हमने मैदान में कैसा लगाया था, ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, तो उसी के बारे में पूरा वीडियो था। वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, अगर कुछ आपके सुझाव है कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो साउंड के लिए, साउंड के कैसे भी नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।